बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए, अभी थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी और ये चले जाएंगे स्कूल और हम आपको मिलेंगे दिन में आके। हाँ, दिन में आके। सो गाइस, बच्चों ने ना स्केल वगैरह अपने खो दिए हैं, तो वो स्केल लेने के लिए भी मार्केट जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई अगर शॉप वगैरह खुली हो तो लेके आते, क्योंकि आज इनका एग्जाम है, उन्होंने कल रात को तो बताया नहीं, तो फिलहाल फटाफट लेके आते स्केल वगैरह। सो गाइस, मुझे लगा था कि शायद ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल तो पड़ा ही होगा, पेंसिल और इरेजर ही होते हैं जो ज्यादा खत्म वगैरह होते हैं, जैसे वो हो जाते हैं वो जैसे शॉपनर, हाँ जो भी, और उनके एक्स्ट्रा दो थे भी, लेकिन तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा भी पड़े थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि घर में है ही नहीं। और सुबह ही एकदम आकृति ने याद दिलाया, मम्मा आज मेरा मैथ का, मैंने कहा आपको स्केल की जरूरत करी, हाँ मेरे को भी जरूरत है आज, मैंने कहा ओहो, फिर अब उसी वक्त फिर भागना पड़ा, मार्केट भी अभी इतनी सुबह सुबह जल्दी खुलती नहीं है। और गलती इनकी भी थी बच्चों की, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा स्केल था ना, स्केल गुम करके वहां से निकाल के रख लिया और उसको भी गुम कर दिया, ऐसा हुआ था। चलो जो भी था, आई होप अब देखते दिन में क्या करके आते, मिले आपको वैसे यहाँ पे थे, रास्ते में थे, मैं रास्ते में देख रहा आया था। सो गाइज, मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान वगैरह घर का लेने के लिए, बच्चे अभी आए नहीं है स्कूल के, हुए पेपर इनका आज, और मैं चलता हूँ पहले मार्केट से थोड़ा बहुत घर का सामान वगैरह लेके आते, बाइक को भी धोते हैं आके, फिर तो पहले चलते हैं मार्केट से लेके आते सामान वगैरह। गाइज, घर का सामान वगैरह आ गया है और आ गया साथ में दूध, तो पहले थोड़ी सी चाय वगैरह बनाते हैं। तो गाइज, अब लगाते हैं बाइक का नंबर, बाइक को करते हैं थोड़ा साफ। और गाइज, बाइक भी चमक गई है जैसे कि आपने देख ही लिया था, बहुत मेहनत लगी लेकिन अच्छी लग रही है अब। सो गाइज, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो बाइक है ना, ये मेरी फर्स्ट बाइक है और ये गाड़ी बहुत ही मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी पुरानी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और ये गाड़ी मैं कभी शायद चेंज भी ना करूँ, और ये गाड़ी हमेशा मेरे पास ही रहेगी, और ये कम से कम 10-11 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी तक बहुत ही बढ़िया ढंग से इसने मेरा साथ दिया है और आगे भी देगी, मैं इसका मेंटेनेंस कराता रहता हूँ। गाइज, बच्चे आ गए हैं स्कूल से घर। बच्चों, कैसा गया पेपर आज आपका? तो गाइस, जैसे कि अक्षत ने आपको बता दिया कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए पार्क, सिर्फ अक्षत और मैं ही जा रहे हैं, आकृति और पूजा घर भी है, फिलहाल हम दोनों ही जा रहे हैं। अभी हम आ गए पार्क, तो अक्षत मेरे साथ हम है। हाँ, और मैं और अक्षत, आज मैं और अक्षत बहुत मस्ती करने वाले पार्क में, क्योंकि आज हम दोनों अकेले अकेले आए हैं, अभी गुरुद्वारा मत्था टेकना है। हाँ। तो गाइस, अक्षत देखो मस्ती कर रहा है पार्क में। आकृति आज हमारे साथ नहीं आई है, अक्षत आया है। अक्षत और मैं यहाँ पे घूमेंगे पहले, और उसके बाद हमने गुरुद्वारे में मत्था वगैरह भी टेकना है। गाइस देख लो फ्लावर। हाँ। देख लो ये बस। तो गाइस, पहले भी हम इस पार्क में आते रहते हैं, तो ये पार्क बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे आज धूप भी है और लोग भी बहुत आ रहे हैं बाहर से घूमने के लिए। हाँ, और अक्षत भी घूम रहा है, देख लीजिए आप। तो गाइस, यहाँ पे बच्चे वगैरह भी प्ले कर रहे हैं फुटबॉल से, प्ले कर रहे हैं फुटबॉल। तो गाइस देख लीजिए कितना अच्छा पार्क है ये, कितनी शांति यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने, अक्षत मेरे साथ जा रहा है ना। गुरुद्वारे के अंदर चलो मत्था टेकेंगे, चलो लो तो गाइस, मत्था वगैरह टेक लिया हमने, और गाइस मैंने मत्था से कर लिया। हाँ, अक्षर को अच्छा लगा। हाँ। तो गाइस, फिलहाल अभी हम निकलेंगे घर को। गाईस? तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घर, मैं और अक्षर घर जा रहे हैं घर। हाँ। देखो और अक्षर को क्या लेना है अभी, मिठाई। हाँ।
तो अक्षत ने खानी है मिठाई, तो अक्षत के लिए थोड़ी मिठाई वगैरह लेके जाएंगे घर। हाँ। देख लो छोटा बेबी वाली डॉग। तो गाइस अक्षत ले रहा अपने लिए मिठाई, मिठाई अक्षत ले रहा है मिठाई और लिए चार समोसे। अभी जाएंगे घर थोड़ी देर में। अक्षत जा रहा है अपनी मम्मा के लिए नेल पेंट रिमूवर लेने, और देख लो जा रहा है। गाइस हम जाएंगे घर। हाँ अभी हम जाएंगे घर। सही किया। तो गाइस अभी पहुंच चुके हम घर और पूजा बना रही है टी, और साथ में अक्षत लेके आया अपने लिए समोसे और थोड़ी सी मिठाई वगैरह अक्षत को खानी थी। आ चुके हैं समोसे और चाय। ओ मम्मा का गिफ्ट भी दिया अक्षत ने, अक्षत ने दिया मम्मा को गिफ्ट। अरे बच्चा क्या गिफ्ट दिया? दिया मम्मा के गिफ्ट नेल पेंट रिमूवर। हाँ एक नेल पेंट रिमूवर पड़ा। दे मम्मा को दे। गाइस आज ना एक मैडम ने आकृति की तारीफ की है, पर वो पता नहीं कौन सी मैडम थी। क्या बोल रहे थे आकृति मैडम? मैम ने बोला आकृति की कोई भी गलती नहीं है, किसी ने भी जब प्लूरल बनाते तो छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, तो फिर एक आकृति थी जिसने छोटी की मात्रा लगाई थी, बाकी किसी ने नहीं लगाई। आकृति के लिए क्लैपिंग करो। हां और वो वाली बात भी बता ना, क्यूट किसने बोला, कैसे था वो? जब मैं वॉशरूम जा रही थी ना, तो फिर दो टीचर, एक पता नहीं फोर्थ फिफ्थ क्लास की मैम थी और दूसरी प्रिंसिपल मैम थी, तो वो दोनों बात कर रही थी। तो फिर ना एक एक मैडम ने वो देखा, फोर्थ फिफ्थ क्लास की मैडम ने देखा, तो फिर मैम ने बोला ये रखो कितनी क्यूट है। अब नहीं, एक आकृति की बात मैं एक और बताती हूँ। आकृति मेरे को और अक्ष को कभी साथ में बैठने नहीं देती। हाँ बीच में आ जाती है, तो मैंने बोला क्यों? कह रही मैं हूँ ना, मेरे को प्यार करो। गाइस बात यह है कि जो अक्षत है वो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरा सर खाता है, मेरे अक्ष के पापा, अक्ष के पापा और आकृति के मम्मा, आकृति के मम्मा होती है। इसलिए आप देख लो, वो देखो, वो देखो अक्ष के पापा, आकृति के मम्मा। मैंने चाय पी ली है और चाय बहुत गंदी थी, चीनी कम डालना चाहिए। गाइस चीनी कम खानी चाहिए, चीनी ज्यादा खानी चाहिए। ज्यादा चीनी खाने से टीथ खराब होते हैं। अरे यार चीनी के बिना लाइफ ही नहीं है। नमक के बिना लाइफ नहीं है, मैंने सुना था। चीनी के बिना लाइफ नहीं है मैंने। हाँ यार चाय। सॉरी पानी के बिना लाइफ नहीं है, नमक के बिना खाना नहीं है, और चीनी के बिना चाय नहीं है। हाँ वो भी बोल सकते हैं। चीनी चाय सेम होता ना। भगवान मुझे आईफोन 30 प्रो मैक्स चाहिए प्लीज। गाइस आप देख सकते हो कि सन सेट होने वाला है और कितना प्यारा लग रहा है व्यू। तो गाइस कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल हमें बहुत लेट मिलता है। कईयों को तो कई बोलते हैं कि यार हमें तो मिलता ही नहीं है फल, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होता। अगर आप मेहनत छोड़ दोगे करना तो फिर तो डेफिनेटली आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो पक्का आपको एक दिन फल मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता ना, कईयों ने बहुत थोड़ी मेहनत की और उसको एकदम उसका मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन आ जाता है, बहुत जल्दी उसका फल मिल जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ है, आजकल कई यूट्यूब ऐसे हैं कि जो एकदम ही गेन हो गए है ना, उनके बहुत ज़्यादा व्यू आ गए या बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ गए तो उनका चैनल गेन हो गया। तो ऐसे में कईयों का तो दिल ही वगैरह मतलब जैसे टूट जाता है। तो ऐसे में कोई मतलब वो डरने डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि YouTube ऐसा नहीं करता। YouTube धीरे धीरे सबकी वीडियो को चलाएगा। ठीक है, किसी का कोई समय था अच्छा, उसका जल्दी लक लग गया, उस पे उसका जो भी है YouTube चैनल उसका गेन हो गया, चल गया, उसका पहला वीडियो चल गया, किसी का 10वां वीडियो चल गया, किसी का 6 महीने बाद चलता है। तो इसमें ऐसा बल्कि घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं तो बी पॉजिटिव होकर ही चलता हूँ हमेशा, कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी रखता हूँ अपने आप में कि यार मैंने मतलब काम करना है और मेरा चैनल जब चलेगा तब चलेगा, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। चाहे 6 महीने में चले, 8 महीने में चले, 10 महीने में चले, क्योंकि जिसको मैं फॉलो करता हूँ ना, रोहन विरदी सर हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी सेव करने के लिए आइए, ना कि YouTube से पैसे कमाने के लिए। लेकिन हाँ अच्छा है ना, अगर कुछ पैसे वगैरह अर्निंग वगैरह होती है किसी टाइम में जाके, तो पैसा किसको बुरा लगता है। ये उनके वर्डिंग है, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो सर से मैंने यही चीज़ सीखी हुई है और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई जो भी है ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हमारे भी चैनल गेन होंगे, हमारे भी चैनल चलेंगे, बस ये कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। सो गाइस डिनर बिल्कुल रेडी है। डिनर में है आज हरी चटनी के साथ चावल भी है और रोटी भी है,
तो करते हैं डिनर गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं तक रखेंगे और आपसे मिलेंगे कल। तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अक्षर ने आपको बोली दिया है, तो हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।